DCX Systems एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी अगेन, और अभी रिसेंटली आईपीओ आया था अक्टूबर महीने में, और बढ़िया रिस्पांस मिला और बढ़िया कंपनी। इनफैक्ट मैंने मैनेजमेंट को सुना भी था, जब भी आईपीओ आता तो अनिल जी आप अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं और उस टाइम पे सुनते हैं, तो कई बार बॉडी लैंग्वेज भी पता चलती है और काम के बारे में और डिटेल्स में पता चलता है। और वही चीज DCX Systems में देखिए, अब आईपीओ के आसपास के प्राइस पे जब मिल रहा स्टॉक, 207 के लगभग की प्राइस थी और 238 240 के लगभग प्राइस है, तो मुझे लगा कि ये बढ़िया स्टॉक है और देखना चाहिए, और अच्छा खासा ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है। 320 के लेवल से जब करेक्ट होके मिलता है और ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी, रिजल्ट अच्छे, क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया था, तो मतलब इट कैन बी अ गुड टाइम टू बाय। और जिनको फोमो हो रहा है कि भाई हमें स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं, मार्केट चले जा रहा है, तो ये एक स्टॉक है जिनमें आप फोमो की जो चीज है उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो DCX Systems के बारे में थोड़ा बताऊं, लीडिंग इंडियन प्लेयर है ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबलीज और केबल हार्नेसेस बनाती है, और ये देखिए कंपनी एक तरीके से इंडियन ऑफसेट पार्टनर बोलते हैं इसको फॉरेन ओईएम्स के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े ओईएम्स हैं जिनके लिए कंपनी काम करती है, तो उनमें से ये उनके लिए, और जो एरोस्पेस में और डिफेंस में है, देखिए डिफेंस और एरोस्पेस तो वैसे ही बहुत हॉट सेक्टर हो रखे हैं, और वहां पर ये कंपनी एक तरीके से आईओपी के रूप में काम करती है और लीडिंग कंपनी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजिशन और सिस्टम्स इंटीग्रेशन और केबल एंड वायर हार्नेसेस असेंबलीज और ये सब बनाती है, किटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी SEZ में है, तो वो अगेन वेरी स्ट्रेटेजिक, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अच्छा खासा इनका अलग अलग कंट्रीज में, इसराइल में इनफैक्ट एक स्पेशल प्रेजेंस है, ये प्रेफर्ड एंड लार्जेस्ट इंडियन ऑफसेट पार्टनर है एक लीडिंग इसराइली डिफेंस कंपनी की, जो कि बहुत इनके लिए क्रेडिबिलिटी वाली बात है। और ऑर्डर बुक की जब मैं बात कर रहा था तो 2500 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है इनकी, और प्लस क्लाइंटिल बहुत स्ट्रांग, मतलब आप देख लीजिए इसराइल करीब 26 से 30 कस्टमर्स है, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, इंडिया, इन सब में मिला के, और काफी सारे उसमें से फॉर्चून 500 कंपनीज है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ, तो आप देखिए अच्छा खासा इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है करीब 21% के लगभग, पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर भी रही है 41% के लगभग, और प्रॉफिट की कैगर 95% के लगभग, और इसमें सबसे बढ़िया बात है टॉप लाइन बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। मार्च 2021 में सीधा 188 करोड़ से जो टॉप लाइन है, सॉरी 374 करोड़ मार्च 2022 के टॉप लाइन से 511 करोड़ का टॉप लाइन, और पिछले 2-3 क्वार्टर से थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर पड़ रहा था और वो भी अब रिलीज हो गया, तो वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% के लगभग, और 32 करोड़ के पैट के सामने 41 करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट है, तो 72 करोड़ का क्वार्टरली एनुअलाइज पैट इन्होंने किया है। और मैं वो भी देख रहा था बैलेंस शीट, तो उसमें 72% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है और उसमें 10% जो FII दिया है इसका भी, तो उससे भी काफी भरोसा बनता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 270 और 290 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।